और राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर के औंधी थाना के शारदा गांव में नक्सलियों ने फिर से अपना खूनी खेल खेलते हुए एक युवक की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी, जिसके बाद नक्सलियों ने युवक के शव को सड़क किनारे फेंक दिया। आपको बता दें कि लगातार पुलिस द्वारा नक्सलियों क्षेत्रों में सर्चिंग के बाद भी नक्सली क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर के औंधी थाना क्षेत्र के शारदा गांव में नक्सलियों ने फिर अपना खूनी खेल खेलते हुए एक युवक की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और सड़क के किनारे युवक के शव को फेंक दिया। लगातार पुलिस क्षेत्र में सर्चिंग कर नक्सल गतिविधियों पर अंकुश तो लगा रही है, मगर इसके बावजूद नक्सली अपनी उपस्थिति निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दर्ज करा रहे हैं। आपको बता दें कि उक्त युवक जो कि 32 वर्षीय तेज कुमार मंडावी गांव में घूमकर सामान बेचा करता था, वहीं बीती रात 5 से 6 नक्सलियों ने घर से बाहर निकालकर रस्सी से गला घोंटकर युवक की हत्या कर दी और नक्सली पर्चे भी फेंके। वहीं पर्चे में मृतक युवक को पुलिस का मुखबिर बताकर हत्या करने की बात लिखी। वहीं पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप का कहना है कि माओवादियों के द्वारा ग्रामीणों को घर से निकालकर और मुखबिरी के शक में हत्या की गई, जबकि मृतक युवक पुलिस का मुखबिर नहीं था। इस घटना के बाद इलाके में सर्चिंग तेज करने की बात कही गई। जो है थाना औंधी क्षेत्र अंतर्गत जो है ग्राम शारदा है, वहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र बॉर्डर में, वहाँ पर करीब 4-5 नक्सली लोग आए थे देसाराम मंडावी के घर में और उसको घर से निकाल के ले गए और उसको जो है रस्सी से जो उसके गले को जो है पूरा घोंट के जो है उसको मार दिए हैं और उस पर जो है पुलिस मुखबिर का शंका लगाकर एक बैनर वगैरह भी जो है वहाँ लगा दिए हैं औंधी LOS के द्वारा। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट ACN 24।